आज तो थोड़ी हमारी थ्योरी की क्लास चलेगी क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, ओके सर। हाँ मैं इसको कोशिश करता हूँ इसमें तेरे को करके दिखाऊं, अदरवाइज मैंने इसके ऊपर वीडियोस पूरी बना रखी हैं। जैसे कि देख, ये चीज है मेरे पास, ये एक लाइन है ठीक है, और ये एक लाइन है ठीक है। इनको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, लाइक ये मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, तेरे को ऑनलाइन ही करवा रहा हूँ तो ये ड्रॉ करना थोड़ा सा सिंपल नहीं है। तो इस तरह से तेरे पे जैसे ये आ रही है, इनको क्या कहते हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। अब इसमें से एक्स एक्सिस कौन सी होगी? सर हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस है, वाई हाँ ठीक है, और वर्टिकल वाली कौन सी है? वाई एक्सिस है। तो एक्सिस। हाँ, सो ये मैं जो लाइंस लगा रहा हूँ, ये क्या मेरे पॉइंट्स हैं ठीक है। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये भी मेरे पास वाई एक्सिस है ठीक है। ओके सर। हाँ, और यहाँ पे ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये भी मेरे पास एक्स एक्सिस है ठीक है। सो इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे 1 2 3 4, मैं कुछ यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है, ये कहाँ से ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। 1 आ गया ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। सो इस तरह से मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू ठीक है। ओके हाँ, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस में वैल्यू चली जाएगी, इस तरह से तेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा तेरे पास 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5 ठीक है। इसी तरह से -1 -2 यहाँ पे भी आ जाएगा वाई एक्सिस में भी। सो जो सीएनसी है वो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर काम करती है। उसमें क्या होता है, जी कोड्स एम कोड्स यूज होते हैं। जी कोड एम कोड तो सभी याद हो जाएंगे, बट अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम याद नहीं होगा तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स गलत बनेंगे ठीक है। तो इस तरह से है, मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ जैसे मैंने मान लिया ये लाइन ड्रॉ की है, और यहां से मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है। तो अब ये जो है मेरे पास, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ठीक है ना, सर जैसे मैंने ये फाइव पॉइंट्स, हाँ बोलो, 5.5 बनेगा सर वो वाला पॉइंट तो, हाँ ठीक और है। ये नीचे वाला -4 एंड 5, हाँ, तो इसमें ये ओरिजिन सब क्या वाला हुआ? ओरिजिन सर। ओरिजिन तो सर 0 है। ठीक है, इसमें ना जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं, देखो ये वाले जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इनको निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है मेरे पास ठीक है। तो ऑटोकैड में भी वो सारे सिस्टम यूज होते हैं, और सीएनसी प्रोग्रामिंग में भी वो तीनों सिस्टम यूज होते हैं ठीक है। कौन कौन से 3 मेथड है मेरे पास? फर्स्ट मेथड है मेरे पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है मेरे पास? इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल देता हूँ, जो मैं सीएनसी पे काम करता हूँ ठीक है। और लास्ट रहता है हमारे ओके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है। सो वन बाय वन मैं ये तीनों चीजें करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एब्सोल्यूट देख लेता हूँ, एब्सोल्यूट क्या कहता है, क्योंकि ये तीनों में काम करना बहुत जरूरी है। जो मशीन्स होती हैं, जो ऑटोकैड होता है, ये तीनों के ऊपर काम करता है ठीक है। और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत जरूरी हैं, खासकर ऑटोकैड के अंदर और सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर ठीक है। सो जैसे मेरे पास पहला आ रहा है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ओरिजिन इज फिक्स्ड, समझना इसको, ओरिजिन इज फिक्स्ड, ऑल द कोऑर्डिनेट्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन इज फिक्स्ड, ऑल द कोऑर्डिनेट्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिन अगेन ठीक है। तो ओरिजिन क्या चीज है मेरे पास? जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है, ये सेंटर पॉइंट ठीक है ओके सर। ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे एक्स और वाई एक्सिस में? जीरो इसके 0। जीरो हाँ जी सर, ठीक है। तो इट मींस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? जीरो, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन जीरो। और जो भी आपने कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, चाहे आप ऑटोकैड में काम कर रहे हो, चाहे आप सीएनसी पे काम कर रहे हो, एक्स और वाई एक्सिस में ही आपने दोनों कोऑर्डिनेट्स लेने हैं।
ठीक है, आपने वाई और एक्स एक्सिस नहीं करना, ये गलती अगर आपने कर दी तो आपके कोऑर्डिनेट्स गलत हो जाएंगे, मशीन में प्रोग्राम गलत बनेगा और ऑटोकैड में ड्राइंग्स गलत बनेगी। ठीक है, ऑटोकैड में फिर आप उसको रेज कर लोगे, बट अगर सीएनसी पे आपने ये प्रोग्राम चला दिया तो मशीन खराब हो जाएगी। तो ये चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ठीक है, इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। सो यहाँ पे जैसे आपने बताया था 5:5 मेरे पास कोऑर्डिनेट आएगा, सबसे पहले हम ये वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं। सो बेसिक से ही चलेंगे हम, ठीक है, वन बाय वन, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0:5 गलत है। देखो मैं आपको डेफिनेशन एक बार फिर समझा देता हूँ, क्या कह रहा है, ओरिजिन इज फिक्स्ड, ऑल द कोऑर्डिनेट्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिन, मेरे को ओरिजिन से ही निकालने हैं। सो ओरिजिन कौन से? ये, इट मीन्स ये मेरा फिक्स रहेगा और जितने भी मैंने ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं ये सारे के सारे मेरे को इसी पॉइंट से निकालने हैं, ठीक है। सो जैसे आपने अभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बताए, 0 और 5 बताए, तो इसको मैं प्लॉट करके देखता हूँ 0 और 5 किस तरह से आएंगे, ठीक है, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो यहाँ हाँ, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास रेफरेंस है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या आएगी 5, है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को देखने हो तो मैं इसको पहले प्लॉट करके देखता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पॉइंट मेरा कहाँ पे प्लॉट करेगा। सो x की वैल्यू 0, इट मींस x यहाँ पे मेरा लाई कर रहा है और y की वैल्यू 5 आ रही है, y एक्सिस ये है। सो 5 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो पॉइंट कौन सा था मेरा? ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपने बताया 5:0 आएगा सर। हाँ 5:0 आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि x और y में इंटरचेंज नहीं करना। सो 5 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट भी आ जाएगा। सो ये कोऑर्डिनेट्स आपने बता दिए थे पहले 5:5 आएगा, इसके बताओ कोऑर्डिनेट्स कहेंगे सर? इसका आएगा 0:5, ठीक है, गुड। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? ये वाला सर, इसका आएगा -4:5। -4:5, ठीक है, गुड। देन उसके बाद नेक्स्ट ये वाला -4:0, ठीक है। सो ये आ जाएगा -4:0। नेक्स्ट ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स कहेंगे सर? इसका आएगा -4:-4। -4, ठीक है। और इसके बाद ये आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कहेंगे सर? इसके आएंगे 0:-4। 0 और -4। देन इसके कहेंगे 5:-4। 5 और -4, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो इसमें हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स आते हैं। फर्स्ट, जैसे आपने ईडी में भी कर रखा होगा, पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है और ये फोर्थ आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव रहेंगे, हाँ ठीक है। तो और यहाँ पे क्या आएगा? x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, गुड। तो इसके बाद अभी ये चीज समझ आ गई ना प्रॉपर, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये वाली सिंपल सी ड्राइंग लेते हैं, इसके बाद इसको समझते हैं कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मेरा ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर ये मेरा ओरिजिन आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये 0:0 है, ये ओरिजिन आ गया, तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? इसमें y की वैल्यू 0 आएगी और x की सर 5। x की 5 होएगी, ये ड्राइंग दिख रही है प्रॉपर? हाँ जी सर। तो ये 0:0 है तो 120 जा रहा है ये x में, और पॉइंट मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे लाई कर रहा है। तो एक्स में मेरा पॉइंट कहाँ पे आएगा? एक्स में तो 0 आ रहा है सर, 120। सॉरी, एक्स में कितना आ रहा है? 120 आ रहा है, और वाई में कितना आएगा? 0, ठीक है। तो पहला आ गया पॉइंट कितना? एक्स 120, वाई 0। नेक्स्ट क्या आएगा? ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? एक्स आ जाएगा 120 और वाई आ जाएगा 80।
ठीक है, तो ये हो गया 120 और 80, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x आ जाएगा 80, y भी 80 आ जाएगा, ठीक है। सो x 80 आ गया, y भी 80 आ गया। देन फोर्थ पॉइंट, हाँ ये वाला जो पॉइंट है, पर इसमें आ जाएगा x तो 80 आएगा, y आएगा 40, ठीक है। सो x आ गया 80, y आ गया 40। देन फिफ्थ आ गया ये वाला, x 40 और y भी 40, ठीक है। सो x 40 हो जाएगा, y भी 40 हो जाएगा। देन सिक्स्थ क्या आएगा, ये वाला पॉइंट सर, इसमें x 40 y 80, x 40 y 80। सेवंथ के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये वाला सेवंथ आ गया, x आ गया 0, y आ गया 80, x आ गया 0 0 और y 80, ठीक है। सो 0 कॉमा 80 आ गया, और उसके बाद अगेन 8th पॉइंट जो आएगा हमारा 0 0 आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। सो ड्राइंग कंप्लीट हुई, ये वाले अंडरस्टैंड हुए, ये वाला कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इजी है। तो ड्राइंग अभी, हाँ अभी मैं ये सारी ड्राइंग्स दूंगा एक्सरसाइज के लिए, ये सारे आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने, प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। फिर इसको हम ऑटोकैड के अंदर बना के देखेंगे, और उसके बाद जो हमने कोऑर्डिनेट, सर हमने ओरिजिन लेनी है, वो लेफ्ट कॉर्नर से ही लेनी है सर? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो ओरिजिन हम कब लेते हैं, ओरिजिन हम वो लेते हैं जहां से हमारी सारी वैल्यूज इजीली निकल जाए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर हम ओरिजिन कुछ भी ले लें तो हमारी वहां से वैल्यूज नहीं निकले तो हमें फायदा नहीं ओरिजिन लेने का। ओरिजिन हमेशा वो पिक करना है जहां से आपकी वैल्यूज इजीली निकल जाए सारी। सो आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, नोट करना है कि ड्रॉइंग पढ़नी आनी चाहिए आपको। अगर आप ड्रॉइंग पढ़ लेते हो तो आपको ओरिजिन भी निकालना आ जाएगा, ओरिजिन हमने कौन सा लेना, ठीक है सर। बस इसी में कंफ्यूजन हो सकता है कि ओरिजिन कहां से लें। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने ड्रॉइंग को पढ़ना। देखो जब आपने, ये होती है प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ यार मेरे को ये ओरिजिन कौन सा लेना। ओके सर, ठीक है। तो ये होगी प्रैक्टिस के साथ आएगा, तो जैसे जैसे आप ऑटोकैड में करते जाओगे और साथ साथ में सीएनसी भी करते जाओगे तो ये आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का मैं ऑटोकैड के अंदर बेनिफिट दिखाता हूँ कि क्या बेनिफिट होगा। देखो अगर जैसे हम ऑटोकैड के अंदर ये वाली फाइल बनाएंगे, जैसे मान लो ये वाली ड्रॉइंग है, ये वाली तो चलो कोऑर्डिनेट्स के साथ बन जाएगी इजी, ठीक है। लाइन के साथ भी अगर मैं बनाना चाहूँ ऑटोकैड के अंदर तो मैं ऑर्थो ऑन करके इसको बना सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कोऑर्डिनेट का बेनिफिट कहाँ पे रहता है, जैसे मेरे पास ये सर्कल आ गया, ठीक है। सो मैं ये सर्कल का सेंटर लेने के लिए क्या करूंगा, अभी मैंने एक लाइन ली यहाँ से, एक लाइन ली यहाँ से, ठीक है। मैंने दो लाइन ली, फिर ये सेंटर आएगा मेरे पास, सेंटर से मैं सर्कल लूंगा, फिर दोनों लाइन को इरेज करूंगा, ऐसा ही करूंगा ना। यस सर। तो अगर मेरे पास जैसे ये सर्कल दे रखा है तो मेरे को लाइंस नहीं लेनी है, ठीक है। मैं लाइंस यूज करने का कभी भी मेथड नहीं बताता क्योंकि वो बड़ा लंबा मेथड चला जाता है। कोऑर्डिनेट्स के साथ ड्राइंग बनाना बहुत इजी रहता है और कोऑर्डिनेट्स भी आपके स्ट्रांग रहते हैं, तो आगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। तो जैसे मैंने ये वाला सर्कल लगाना है तो ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75, y की वैल्यू 44 हो जाएगी। तो मैं सिंपली सर्कल लगा सकता हूँ दो कोऑर्डिनेट्स देके, तो ये प्लस पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है ना।